खुदाम यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। गुड मॉर्निंग। आज 30 जुलाई 2022 है। मत्ती रसूल का अंजीली बयान उसका 10वां बाब और उसकी 32वीं और 33वीं आयत में यूँ लिखा है, बस जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इकरार करूँगा। मगर जो कोई आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इनकार करूँगा। आमीन। ये आयात खुदावंद यीशु मसीह के इकरार या इनकार के बारे में हैं। बहुत सारे लोग जो मसीही कहलाते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर अपनी शनाख्त और अपने ईमान के बारे में छुपाने की कोशिश करते रहते हैं। वो इसी कोशिश में रहते हैं कि किसी को पता ना चले कि मैं मसीही हूँ। इसके पीछे बेशुमार वजूहात हो सकती हैं। कभी कभी लोग इजहार आसानी से बचने के लिए, नफ़रत और तासब से बचने के लिए, या किसी दुनियावी फ़ायदे के लिए, या और कई दीगर वजूहात भी हो सकती हैं जिसकी वजह से वो कोशिश में रहते हैं कि मेरे ईमान के बारे में लोगों को पता ना चले। भाइयों और बहनों, हमें कभी भी इस बात से शर्माना नहीं है और ना ही हमें एहसास कमतरी का शिकार होना है कि मैं मसीही हूँ, और ना ही कभी किसी को ये बताते हुए डरें और ना ही हिचकिचाएं, बल्कि हमेशा जब भी आपके ईमान की बात है, जब भी आपके बारे में पूछा जाए, आप हलीमी के साथ और मसीही ईमान में यीशु की सलीब पर फख्र करते हुए दूसरों को बताएं कि मैं खुदा का शुक्र करता हूं या करती हूं कि मैं मसीही हूं। मसीह का इकरार लोगों के सामने लाजमी करें, क्योंकि अगर हम लोगों के सामने मसीह का इकरार करते हैं तो अदालत के रोज मसीह अपने बाप के सामने हमारा इकरार करेगा। अफसोस कि आज बहुत सारे लोग वो मसीह का इनकार कर देते हैं। बेशुमार पढ़े लिखे नौजवान बेटे और बेटियां वो मसीह का इनकार कर देते और गैर मजहब को इख्तियार कर लेते हैं। वो तमाम लोग जो इस तरह से मसीह का इनकार करते हैं, चाहे उसके पीछे कुछ भी मुहरकात क्यों ना हों, वो जमीन पर भी रुसवा होते हैं और रोजे अदालत मसीह भी उनका इनकार करेगा कि मैं तुमको नहीं जानता, मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। इसलिए अजीज भाई और बहनों, किसी भी सूरत में, किसी भी तरह से बड़ी ऑफर क्यों ना हो, बड़ी से बड़ी अट्रैक्शन क्यों ना हो, कभी भी मसीह का इनकार ना करें, बल्कि हमेशा आदमियों के सामने मसीह का इकरार करें। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। ऐ कुदूस खुदा, यीशु मसीह के नाम से हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हर रोज़ हमारा बोझ उठाता है। आज के इस नए दिन के लिए तेरा शुक्र हो। ज़िंदगी और ज़िंदगी की सारी बरकत के लिए हम तुझे मुबारक कहते हैं और बख्श दे खुदा कि हम आज और हमेशा दूसरों के सामने अपने मसीही ईमान का इकरार करने वाले बने। ऐ प्यारे आसमानी बाप, मैं अपने तमाम भाई बहनों के लिए जो इस पैगाम को सुन रहे हैं बरकत की दुआ मांगता हूँ। उनके घरानों पर तेरी बरकत हो। जो बीमार हैं उन्हें शिफा दे, जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, और बिलखसूस दुआ करते हैं जो इलाके सैलाब से मुतासर हुए हैं, जहां पर लोगों का जानी और माली नुकसान हुआ है, खुदा अपने लोगों की मदद फरमा। और इस वक्त ख़ास तौर पर हम बलूचिस्तान के लिए और दीगर इलाकों के लिए जहाँ पर सैलाब के सबब से है खुदा लोग परेशान हैं, मुसीबत में हैं, तकलीफ़ में हैं, खुदा तू उनकी मदद कर। ऐसे लोगों को, ऐसे इदारों को उठा खड़ा कर जो मुश्किल वक्त में लोगों की मदद करें। अपने हाथ को बढ़ा और खुदा मजीद नुकसान से अपने लोगों को बचाना। हमारे मुल्क पर तेरा फजल हो। ऐ खुदा, हर तरह के बुहरान मसीह के नाम से ख़त्म हों। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।